स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था, एडवांस फीचर्स इन एमएस एक्सेल। उसमें हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था एमएस एक्सेल क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या काम होता है। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूला एंड फंक्शंस। यू कैन यूज़ फार्मूलाज एंड फंक्शंस टू कैलकुलेट इन एक्सेल। एक्सेल में आप फार्मूला और फंक्शंस यूज़ करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। अ फार्मूला इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सेल रेफरेंस मैथमेटिकल फंक्शंस और ऑपरेशंस और एग्जिस्टिंग वैल्यू टू गिव अ न्यू वैल्यू। ठीक है, जो फार्मूला होता है वो एक सेल के लिए रेफरेंस होता है। जैसे मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं ना फंक्शंस में, जैसे अगर आपने अभी स्क्वायर रूट वगैरह या फिर क्यूब रूट या फिर कोई भी एलजेब्रा का कोई भी फार्मूला याद किया होगा, तो वो चीज़ आप इस ऑपरेशन वो जो ये ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस जो होते हैं उनको आप फार्मूला कहते हो, और वो अगर आप सेल में डाल देते हो तो उससे आपकी नई वैल्यू मिल जाती है। अ फंक्शन इज़ अ बिल्ट इन फार्मूला दैट यू कैन यूज़ टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन द डाटा इन योर वर्कशीट। जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, फार्मूला के फंक्शन के अंदर बिल्ट इन होता है। ठीक है, फॉर्मूला के अंदर बिल्ड इन होता है ये, और ये परफॉर्म करता है कैलकुलेशन जो भी डाटा आप देते हो वर्कशीट के अंदर। ये चीज़ अभी आप हम यहाँ पर देखेंगे कैसे करना है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फंक्शंस आर रेडीमेड फार्मूलाज दैट परफॉर्म द सीरीज ऑफ ऑपरेशन ऑन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज़। जो फंक्शंस होते हैं वो रेडीमेड फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, वो यूज़ किए जाते हैं ऑपरेशन को, ऑपरेशंस सीरीज ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस करना है, फिर उसके बाद माइनस करना है कि मल्टीप्लीकेशन करना है, ऐसा। ठीक है, सीरीज होते हैं जो आपको एक नई वैल्यू देते हैं। मोर देन 300 फंक्शंस बिल्ड इन टू एक्सेल enable you to perform tasks of every kind from editing number to calculating the rates of return from an foreign investment। ठीक है, जो MS Excel है उसके अंदर 300 functions हैं। ठीक है, उससे क्या, उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, चाहे आपको numbers add करने हो या फिर rate of interest calculate करना या फिर investment कहाँ पर किया कितना किया, वो सारी चीज़ें आप MS Excel के थ्रू कर सकते हैं। अ फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल टू साइन। जो फार्मूला होता है वो साइन के इक्वल होता है। वन और मोर फंक्शंस देयर आर्ग्यूमेंट्स ऑपरेशन सच एज ऑपरेटर सच एज द डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन सिंबल्स एंड एनी अदर वैल्यूज रिक्वायर टू गेट अदर रिजल्ट्स योर रिजल्ट्स। फॉर्मूला के अंदर इक्वल टू का साइन होता है, और ज़्यादा फंक्शंस हैं जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स वाले फंक्शन होते हैं। आप जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे डिवीजन करना है आपको या मल्टीप्लिकेशन सिंबल्स, ये सारे सिंबल्स आपको दिए जाते हैं फॉर्मूला के अंदर जिससे आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाए। मैनी एक्सेल फंक्शन डू स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो हमारे एक्सेल है ज़्यादातर हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसको फाइनेंशियल, जैसे कि आपने देखा होगा आप मॉल्स वगैरह जाते हो तो वहाँ पर भी एक्सेल का यूज़ करते हैं वो लोग, क्योंकि तुरंत आपका कैलकुलेशन कर देते हैं। अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तुरंत आप वो फिंगर्स में या फिर कैलकुलेटर्स यूज़ नहीं करते, उसमें डालते इतने रुपये का इतना डिस्काउंट है, तुरंत आपका पता चल जाता है कि अच्छा 100 रुपये की चीज़ है तो 20 रुपये डिस्काउंट है तो कितने का मिलेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। और आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं वहाँ पर भी आजकल MS Excel का ही यूज़ किया जाता है। एंटरिंग अ फार्मूला, यू कैन एंटर अ होल फार्मूला इन टू एनी सेल इन योर वर्कशीट। आप फार्मूला है पूरा फार्मूला आप एंटर कर सकते हो वर्कशीट के अंदर। आ फार्मूला हेल्प्स यू टू कैलकुलेट एंड एनालाइज द डाटा इन योर वर्कशीट। जो फार्मूला होता है वो आपको हेल्प करता है कैलकुलेशन के लिए या फिर डाटा जो भी आपने डाला है उसको एनालाइज करने के लिए वर्कशीट के अंदर। आप कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ स्टेप्स ये रखे। क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वॉन्ट टू एंटर फार्मूला। पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सेल, जैसे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ये एक सेल होता है, इसको इन्होंने सिलेक्ट किया। टाइप एन इक्वल टू साइन टू बिगिन द फार्मूला। इक्वल टू साइन लगाना होता है, ठीक है, ताकि तभी आपका फार्मूला क्या होगा, स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए इक्वल टू का साइन लगा दिया। टाइप द फार्मूला एंड देन प्रेस द एंटर की। अब यहाँ पर फार्मूला लगा दिया, जैसे B5 प्लस C5 प्लस D5 प्लस E5F5। ठीक है, ये फार्मूला आपका टाइप हो गया। अब क्या कर देंगे, आप एंटर कर देंगे जब आपका फार्मूला हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन अपेयर इन द सेल। जो भी आपका फॉर्मूला लगाया है उसका रिजल्ट क्या करेगा, यहाँ पर दे देगा। जैसे बी फाइव, बी में 5 मल्टीप्लाई करना है, सी में 5 मल्टीप्लाई करना है,
और डी में फाइव, जैसे डी फाइव मतलब क्या हुआ, डी को डी सेल जो है आपकी ये डी वाली सेल है इसको फाइव से मल्टीप्लाई करना है, फिर ई प्लस करना है आपको नेक्स्ट जो आपकी ई वाली फाइल है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले फाइव से मल्टीप्लाई करना है देन ऐड करना है। तो पहले इन सब के साथ फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया देन ऐड कर दिया, तो आपको इतना टाइम नहीं लगे। आप अगर ऐसे सिंगल करके बैठोगे करने बैठोगे कि 500 को टू से फाइव से मल्टीप्लाई किया फिर इसको मल्टीप्लाई किया फिर इसको, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपने डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर डाल दिया एमएस एक्सेल के अंदर, तुरंत आपका आंसर निकल के आ जाएगा। द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन अपीयर्स इन द सेल, इस सेल के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। एडिटिंग अ फॉर्मूला, अब एक फॉर्मूला को कैसे एडिट करना है, मान लो आपसे गलत फॉर्मूला डल गया, ठीक है, अब आपको उसको क्या कैसे एडिट करोगे, यू कैन एडिट द फॉर्मूला एनी टाइम बाई यूजिंग दीज स्टेप्स। आप कुछ स्टेप्स को एडिट यूज कर सकते हैं एडिटिंग करने के लिए। डबल क्लिक ऑन द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला यू वॉन्ट टू चेंज। अब सबसे पहले आपको जिस भी सेल को आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है जिसमें भी आपको फॉर्मूला चेंज करना है। सपोज इस वाले सेल में इन्होंने एग्जांपल दिया है, इस वाले सेल को इनको एडिट करना है फॉर्मूला को, तो इन्होंने इस सेल को क्या किया है, सिलेक्ट किया है। द फॉर्मूला अपीयर्स इन द सेल एक्सेल आउटलाइन ईच सेल यूज इन द फॉर्मूला विद अ डिफरेंट कलर। अब देखो जो जो फॉर्मूला यूज़ किए गए होंगे ना वो अलग अलग कलर से इन्होंने शो कर दिया है, देख सकते हो पहले ब्लू है फिर ग्रीन फिर पर्पल फिर रेड, ठीक है, फिर डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन कह लो। प्रेस द एरो की टू मूव द फ्लैशिंग इंसर्शन पॉइंट टू वेयर यू वॉन्ट टू रिमूव एंड ऐड कैरेक्टर्स। अब ये इंसर्शन पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है, आपको इसको मूव करना है जहाँ पर भी आपको फॉर्मूला चेंज करना है। अब सपोज मुझे यहाँ करना है तो यहाँ मूव करवा दूंगी, अगर मुझे यहाँ करना है तो यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट रख दूंगी, और जो भी चीज़ यहाँ पर करेक्शन करना है वो मैं कर सकती हूँ यहाँ पर। टू ऐड डाटा वेयर द इंसर्शन पॉइंट फ्लैशेज ऑन द योर स्क्रीन टाइप द डाटा, ठीक है, डाटा टाइप कर देना आपको। When you finish marking changes to the formula, press the enter key. अब मान लो आपने यहाँ पर changes कर दिया, आपको जो भी changes चाहिए थे फिर आप क्या करेंगे, enter key press कर देंगे, आपका जो भी changes क्योंगे उसके required आपका answers आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।